हेलो फ्रेंड्स, तो आज पूजा की किचन में बन रही है शाही पनीर की सब्ज़ी, जिसकी पनीर बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस होती है। ग्रेवी तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, तो हमने इसे थोड़े अलग तरीके से बनाया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये हमने पनीर काट लिए हैं और बड़े बड़े मोटे मोटे साइज़ के प्याज काट लिए हैं। लहसुन अदरक को छील के काट के रखा है। गरम मसाला में काली मिर्च और लौंग, इलायची, दालचीनी, काजू, मगजदाना और किशमिश। तो फटाफट से रेडी करते हैं। फ्राई पैन में हमने ऑयल डाला है और हम डालेंगे एक तेज़पत्ता को हम गर्म होने देंगे और उसके बाद हम डालेंगे अपना काटा हुआ प्याज। ये प्याज मैंने सारा डाल दिया है और इसे थोड़ी देर ऑयल के संग मिक्स करेंगे, चलाएंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होगा और फिर हम उसमें डाल देंगे लहसुन अदरक और फिर इसे थोड़ी देर चलाएंगे, मिक्स करेंगे और फिर हम सारे मसाले जो भी रखे थे मैंने मसाले, वो सारे मसाले इसमें डाल देंगे। काजू, मगजदाना सारे कुछ डाल के हम इसे चलाएंगे और थोड़ा सी डालेंगे इसमें नमक, ताकि हमारी सारे मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसे हम चलाते हुए थोड़ी देर ढक के छोड़ेंगे मसालों को पकने के लिए और सॉफ्ट होने के लिए। तो मसाले मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं और कलर भी इनका चेंज हो चुका है। अब मैंने गैस को कर दिया है बंद और हम इसे ठंडे होने के लिए थोड़ी देर छोड़ेंगे, ताकि ये मसाले मेरे ठंडे हो जाए। तब तक हम एक छोटे फ्राई पैन में घी डालेंगे या बटर, कुछ भी डालेंगे। उसमें हम डालेंगे एक चम्मच मैदे का और मैदे को हम इस तरीके से एकदम छोड़ेंगे नहीं, इसे चम्मच से चलाते हुए इसे हल्का सा कलर चेंज करेंगे इसका। ये है हमारा ये प्रोसेस कि जब भी हम कुछ अचानक से घर में बनाने जाते हैं तो क्रीम नहीं है, तो कभी कुछ नहीं है, तो जिस स्टेज पे हम जा रहे हैं कुछ बनाने और घर पे क्रीम नहीं है, तो हम घर पे कैसे जुगाड़ लगा सकते हैं। तो वो है ये कि हम एक दो घी में या बटर में एक चम्मच मैदे को थोड़े से भूनेंगे और फिर उसमें हम डालेंगे एक गिलास दूध और इसको अच्छे से उबलने देंगे। यकीन मानिए, ये इतना बढ़िया क्रीम बन के रेडी होता है कि टेस्ट में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि क्रीम नहीं डाला मैंने, कुछ घर पे ऐसे बना के डाल दिया, ये टेस्ट ऐसा नहीं आया। बिल्कुल क्रीम जैसा टेस्ट आता है घर पे सस्ती क्रीम। दूध तो वैसे ही सबके घर पे होता है और मैदा भी होता है, तो हम मैदे और दूध से घर पे फटाफट से क्रीम बना के रेडी कर देंगे। इससे हमें पास्ता बनाना हुआ तभी भी हमें क्रीम मिल जाएगा, हमें कुछ भी ग्रेवी में क्रीम डालना हुआ तभी भी हमें क्रीम मिल जाएगा। मसाले मेरे ठंडे हो चुके हैं और मेरी क्रीम भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे मसाले को पीसेंगे अच्छे से। तब तक हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हम पनीर को सेक लेंगे, फ्राई नहीं करेंगे, हम ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, हल्का सा तेल। आप बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑयल यूज़ किया है। और मैदे में हल्का सा नमक ऊपर से और मैदा, पनीर में नमक और थोड़ा सा मैदा हम स्प्रिंग कर लेंगे। स्प्रिंग करके हम उसमें पनीर ऐसे बैठा देंगे और उसको सिकने देंगे। उलट पलट के हम इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक छोड़ेंगे, ठीक है। 2 मिनट तक रखेंगे और फिर जैसे ही सिक जाएगा हम उसे पलट देंगे। और जैसे ही हमारी पनीर हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, हम ज़्यादा इसे नहीं सेकेंगे, हल्का सा ही सेकेंगे। बस मेरी पनीर हो चुकी है और मैंने पनीर को निकाल के रख दिया है। और ये हमारी वो मसाले हैं जो मैंने पीस के रखे थे फ्राई करके। और अब हम डालेंगे फ्राई पैन में ऑयल। आप इस स्टेज पे भी घी या बटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम पनीर बटर या घी में ही बनाते हैं। मैंने ऑयल का यूज़ किया है, आप घी या बटर यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज पे हम डालेंगे कसूरी मेथी। इसी से हमारा जो पनीर का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया बन के खिल जाता है। कसूरी मेथी को हम 2 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद हम कुछ मसाले डालेंगे, हल्दी, जीरा और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च हम कसूरी मेथी डालेंगे, इससे कलर भी बहुत बढ़िया आएगा।
आप हल्दी स्किप कर सकते हैं, मैंने हल्दी डाली है क्योंकि मुझे पनीर में जो येलोनेस कलर रहता है वो बहुत अच्छी लगती है। आप येलो हल्दी भी स्किप कर सकते हैं। और जैसे ही मसाला भून जाएगा हम डाल देंगे इसमें सारे मसाले और अच्छे से उसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मसाले मिक्स करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। और तब तक भूनेंगे जब तक हमारी जो ऑयल है सब्जी ऑयल नहीं छोड़ देती, हम तब तक इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे ढकते हुए इसे अच्छे से पकाएंगे। सीम करके या मीडियम फ्लेम पे पकाने से वो जो सब्ज़ी है वो अंदर से बहुत ही अच्छे बढ़िया तरीके से पक जाती है और अजीब सी एक खुशबू आती है। और ये जो सब्ज़ी है इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आती है, आप बनाएंगे घर में सब पूछेंगे कि क्या बन रहा है भाई, इतनी खुशबू क्यों आ रही है। ये हमारी क्रीम है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, चिली फ्लेक्स और गरम मसाला। चिली फ्लेक्स है हम सूखे हुए मिर्चे को हल्का सा गोटा गोटा करके काट पीस के रखते हैं, इसे हम चिली फ्लेक्स बोलते हैं। और हम इस पनीर को इसमें डालेंगे और जब तक हमारी सब्ज़ी रेडी हो रही है हम इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके छोड़ेंगे। इससे हमारी पनीर जो है अंदर से बहुत ही बढ़िया टेस्ट खिल जाता है पनीर के अंदर तक और वो और भी ज़्यादा क्रीमी लगने लगती है। ये मसाले हमारे भून रहे हैं और अभी और भुनेंगे और इसमें ऑयल छोड़ेगा। ये है दही, मैंने थोड़ी सी दही फेंट के रखी थी और इसमें थोड़ी सी दही डाली है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दही डालते हुए हम फटाफट से इसे मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम हम ही रखेंगे वरना दही फट जाती है ज़्यादातर सब्ज़ी में दही डालते ही, तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और फटाफट से दही को डालते ही पूरा मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही थोड़ा देर रखेंगे और इसे कंटिन्यू 5 मिनट तक चलाते रहेंगे। फिर हम इसे ढक देंगे और देखिए बढ़िया सी, मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाली है, फिर भी मैंने जितना भी ऑयल डाली है देखिए किनारे किनारे से छूट रही है और ऊपर में सब्ज़ी के ऊपर में इसे लग रही है। तो सब्ज़ी इसी से पता चल रही है कि मेरी बहुत बढ़िया भुन रही है अंदर से और इस स्टेज पे इतनी बढ़िया स्मेल आ रही है कि घर पे तो बार बार आके पूछ रहे लोग क्या बन रहा है आज, इतनी अच्छी पूरे घर महक रही है। तो बहुत ही बढ़िया स्मेल आती है इसकी, एकदम शाही पनीर जैसे नाम है वैसे शाही स्मेल भी है इसका। अब हम थोड़ी थोड़ी इसमें पानी डालेंगे और मैंने पानी जो कटोरे वटोरे सब मसाले वसाले के थे ना वही सब धो के रखे हैं तो वही सब पानी मैंने डाला है। और अब हम मैरिनेट किया हुआ पनीर जो है वो सारा हम इसमें डाल देंगे और उस कढ़ाई को भी हम धो के पानी डालेंगे, मसाला वेस्ट नहीं होने देंगे हम कहीं से भी। और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि पनीर हमारी इतनी सॉफ्ट हो चुकी है तो हम ज़्यादा ज़ोर से इसे नहीं चलाएंगे, वह हल्के हाथों से चलाएंगे ताकि पनीर घोटा ही रहे टूटे नहीं। और अब हम इसे अच्छे से चला के फिर हम ढकेंगे 2 मिनट के लिए इसे ताकि पनीर तो क्रीम तो एब्जॉर्व कर ही चुका है, इससे मसाले को भी एब्जॉर्व करना होगा, इसीलिए हम पनीर को 2 मिनट ढके थे। बस पनीर हमारी रेडी हो चुकी है और ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी खाने में लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें।